जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाओगे। यह विचार मेरे दिमाग पर छा गया और तब से मैंने हर सुबह शीशे में खुद से यह सवाल किया है कि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं मैं होता तब मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है। स्टीव जॉब्स की इस स्पीच में बहुत ही गहराई है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें तो यह आप में एक अलग ही ऊर्जा भर देगा और इससे भी ज्यादा ऊर्जावान उनके जीवन की कहानी है। यह ऐसी शख्सियत थी जिन्हें न अपने पैसे से प्यार था और न ही पैसा उनकी पहचान थी, बल्कि लीक से हटकर सोचना तथा तकनीक को नए रूप में परिभाषित करना उनके प्रबल व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। लेकिन स्वयं स्टीव जॉब्स के लिए उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उनका प्रारंभिक जीवन काफी भ्रम और उथल फुथल से भरा हुआ था, तो बिना समय गवाए उनके बारे में शुरू से जानते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका वास्तविक नाम स्टीव पॉल जॉब्स था, जो उनको गोद लेने वाले माता पिता क्लारा और पॉल जॉब्स से मिला था। दरअसल उनके वास्तविक माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वे ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को भी अभावग्रस्त जिंदगी में जीना पड़े। इसलिए उन्होंने स्टीव को एक ऐसे दंपति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छी परवरिश कर अच्छी शिक्षा दे सके। उनके पिता पॉल जॉब्स एक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चलाते थे, इसलिए स्टीव का ज्यादातर समय अपने पिता के साथ उनकी मदद करने में व्यतीत होता। यही वो माहौल था जिसने उन्हें चीजों को सही रूप में जोड़कर नई चीजों को बनाना सिखाया और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक उनका शौक बन गया। प्राथमिक विद्यालय में 4 साल पढ़ने के बाद किसी कारणवश उनके पिता को दूसरे शहर लॉस ऑल्टो में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ उनका दाखिला होमस्टीड माध्यमिक विद्यालय में करा दिया गया, जहाँ उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनैक से हुई जो आगे चलकर एप्पल कंपनी में साझेदार भी बने। वॉजनैक का दिमाग भी काफी तेज था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था, शायद इसीलिए दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीव जॉब्स ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इस कॉलेज की फीस इतनी महंगी थी कि उनके माता पिता के लिए उसे दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था। और स्टीव जॉब्स को भी अपने माता पिता का पैसा यूं बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्हें उस पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद एक आधिकारिक छात्र के रूप में वे केवल अपने मनपसंद विषय कैलीग्राफी की क्लास लेने लगे। ये एक ऐसा समय था जब स्टीव के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, यहाँ तक कि अपने हॉस्टल के कमरे का किराया भी नहीं दे सकते थे, जिससे वे अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे और खाना खाने के लिए हर रविवार 7 मील दूर पैदल चलकर मंदिर जाते ताकि हफ्ते में एक बार पेट भर खाना खा सकें। उसके बाद वर्ष 1972 में जॉब्स को पहली नौकरी एक वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी अटारी में मिली। वहां उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया, लेकिन जैसा कि होता है हर इंसान की जिंदगी का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है और इसे पाने के लिए हर किसी का तरीका भी अलग। स्टीव के आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान भारत था और जिसके लिए उन्होंने पैसे बचाने शुरू किए। सन 1974 में वह भारत अपने दोस्त डैनियल कॉटके के साथ आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने। भारत में वह 7 महीने रहे और बौद्ध धर्म को पढ़ा और समझा, जिसके बाद वे वापस अमेरिका चले गए और फिर से अटारी कंपनी में काम करने लगे। और यहीं पर स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनैक एक बार फिर अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा और जहां दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी तो कंप्यूटर बनाना उनके लिए सही फैसला था। और दोनों ने मिलकर अपने पापा के छोटे से गैराज से अपने जुनून को हकीकत में बदला। उस वक्त स्टीव की उम्र मात्र 21 साल थी और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर माइक मर्कुल्ले से सहयोग राशि प्राप्त हुई और काफी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के होमब्रू कंप्यूटर क्लब में पेश किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जिसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ बाजार में उतारा गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। और एप्पल के इस आईपीओ ने विश्व के किसी भी कंपनी से ज्यादा लगभग 300 व्यक्तियों को रातों ही रात करोड़पति बना दिया। उसके बाद जब एप्पल थर्ड और लीसा डेस्कटॉप बाजार में लॉन्च हुआ तो लोगों ने उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया और कंपनी घाटे में चली गई। और दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराया गया और 17 सितंबर 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया, जिसके बाद वो टूट चुके थे। असफलता उन्हें खाए जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी नेक्स्ट इंक नाम की कंपनी खोली। और इस कंपनी से उन्होंने इतने पैसे कमाए कि 1986 में उन्होंने $10 मिलियन से एक ग्राफिक्स कंपनी खरीदी, जिसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा, जिसमें उन्होंने अच्छी सफलता हासिल की। और इधर स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। तब एप्पल ने $477 मिलियन से नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स बन गए एप्पल के सीईओ।
जिसके बाद उन्होंने एप्पल के अनोखे प्रोडक्ट निकाले जैसे आईपॉड्स, आईट्यून्स और 2007 में एप्पल का पहला मोबाइल फोन निकाला जिसने मोबाइल फोन के बाजार में क्रांति ला दी थी जो आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। 5 अक्टूबर 2011 को मात्र 56 वर्ष की आयु में कैंसर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और अगले ही दिन कैलिफोर्निया के राज्यपाल द्वारा उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। थिंक डिफरेंट, यह स्टीव का मूल मंत्र था। कितना छोटा सा शब्द लेकिन कितनी गहराई से लदे हुए इसी शब्द के भरोसे उन्होंने उद्योग जगत को बदला। उनका हमेशा से यह मानना था कि जीवन में यदि हमें सफल होना है तो किसी का भी इंतजार किए बिना अकेले चलना सीखना होगा।